चिपलिन से चीन तक बारिश का कहर। ओलंपिक के पहले ही दिन भारत ने जीता रजत। कुंद्रा के राज। कोरोना की रफ्तार घटी, चिंता बरकरार। पेगासस मामला, कटघरे में सरकार। ऑक्सीजन पर मोदी सरकार का झूठ। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें हम चर्चा करेंगे सप्ताह की खास खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम न्यूज ऑफ द वीक। महाराष्ट्र के चिपलूण से लेकर शीन तक बारिश का कहर चारों तरफ तबाही मचा रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का चिपलूण शहर पानी में डूबा हुआ नजर आया। वहीं शहर के एक कोविड अस्पताल में पानी भरने के बाद वेंटिलेटर बंद हो गए, इसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ जिले में बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 36 लोगों की जान चली गई। ठाणे, कोल्हापुर, पालघर जिलों में भी बारिश ने हालात बदतर कर दिए। राज्य में कुल मिलाकर 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर पड़ोसी चीन को 1000 साल की सबसे भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। इससे 12 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बचाव के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। यूरोप में बाढ़ से करीब 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जर्मनी में ही रेलवे को 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का फटका लगा है। कोरोना की रफ्तार घटी, चिंता बरकरार। भारत और दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन तीसरे लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। ब्रिटेन, इंडोनेशिया, फिलीपींस में जहां मामले लगातार बढ़कर आ रहे हैं, वहीं भारत में संक्रमण का आंकड़ा अभी भी रोज 30,000 से 40,000 के आसपास चल रहा है। भारत के 13 राज्यों में जिस तरह संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं, वे चिंता में डालने वाले हैं। कोरोना के नए ट्रेंड को तीसरी लहर की दस्तक माना जा रहा है। हालांकि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान से थोड़ी राहत नजर आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर तक बच्चों के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में वेब दुनिया ने एक्सपर्ट से जाना कि गर्भवती महिलाओं को आखिर टीका कब लगवाना चाहिए। एज ए पर्सनल मैं सोचती हूँ कि जो वैक्सीन है वो शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या शुरू के 3 महीने में अवॉइड करके फिर आप उसको कर सकते। बाकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप वैक्सीन कभी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना से जूझ रही दुनिया की चिंता WHO ने यह कहकर और बढ़ाई है कि आने वाले समय में डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट सामने आ सकता है। वही दुनिया में तबाही लाने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति से जुड़े सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। WHO ने इसको लेकर दूसरे चरण की स्टडी का प्लान बनाया था। इसमें वुहान लैब और मार्केट का ऑडिट किया जाना था, लेकिन चालाक चीन ने इसे अस्वीकार कर दिया। पेगासस मामला, कटघरे में सरकार। पेगासस मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार पर आरोप है कि वह लोगों की जासूसी करवा रही है। विपक्ष दल सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार ने इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। दूसरी ओर NSO ग्रुप ने 30 जून को अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके 40 देशों में 60 ग्राहक हैं। इनमें सरकारें और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। उसने इससे मानव अधिकारों के उल्लंघन का खतरा भी होने की चिंता जताई। उसका दावा है कि उसने वर्ष 2020 में पेगासस के दुरुपयोग की 12 घटनाएं पकड़ी थी। राहुल गांधी ने जहां से जनता की आवाज पर हमला करार दिया है, वहीं संसद में भी शर्मनाक दृश्य देखने को मिला। जिस समय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस मामले में बयान दे रहे थे, तभी TMC सांसद शांतनु सेन ने उनसे पेपर छीना और उसे फाड़कर हवा में उछाल दिया। इसके चलते शांतनु को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। जो भी हो, इससे सरकार की साख पर तो सवाल उठ ही गए हैं। ऑक्सीजन पर मोदी सरकार का झूठ। एक वक्त वह भी था जब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें टूट रही थी। अपनों को सांसें देने के लिए दर दर भटकते लोगों के दृश्य आम थे। उनके आंसुओं में मजबूरी थी, अपनों को खोने का दर्द था। लेकिन मोदी सरकार के एक बयान ने उस मजबूरी का भी मजाक बना दिया। सरकार के मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने लोकतंत्र के मंदिर संसद में लिखित जवाब में कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। सरकार का कहना है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण दूसरी लहर में किसी की जान गई।
इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि दूसरी लहर के दौरान 50 लाख लोगों की मौत हुई है। सरकार या राहुल गांधी के आंकड़े कुछ भी कहे, लेकिन इस बयान ने उन लोगों को और भी गहरा सदमा दिया है जिन्होंने कोरोना के चलते अपनों को खोया है। कुंद्रा के राज। बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के कुछ ऐसे राज उजागर हो गए हैं जिससे वे मुश्किलों में फंस गए हैं। अश्लील फिल्म बनाने और अपलोड करने के मामले में उन्हें पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 27 जुलाई तक वे पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पुलिस का कहना है कि राज के खिलाफ उनके पास अहम सबूत है। राज की रंगीन जिंदगी पर कई धब्बे हैं। आईपीएल में सट्टेबाजी से उनका नाम जुड़ा। पहली पत्नी कविता के चरित्र पर सवाल उठाने का मामला भी अदालत तक पहुंचा। बिटकॉइन घोटाले में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। धोखाधड़ी के भी कुछ मामलों का वे सामना कर रहे हैं। अभिनेत्री पूनम पांडे भी अपनी तस्वीरों के गलत इस्तेमाल को लेकर उन पर केस कर चुकी है। ओलंपिक के पहले ही दिन भारत ने जीता रजत। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आगाज भारत के लिए खुशखबरी से हुआ। पहले दिन भारत का खाता खुला और 49 किलोग्राम वर्ग में वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर पूरे भारतवर्ष में ऊर्जा का संचार कर दिया। मणिपुर के नोंगपोक काकचिंग गांव के निवासी चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम और स्नेच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाया। वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल लाने वाली चानू दूसरी खिलाड़ी है। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। यह पहला मौका है जब ओलंपिक के पहले ही दिन भारत का खाता खुल गया। इससे पहले भारत को ओलंपिक मेडल जीतने में कम से कम दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने चानू को बधाई देते हुए कहा कि भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक की इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। खबर संक्षेप में। कोरोना काल में टोक्यो ओलंपिक की रंगारंग शुरुआत। भारत ने हॉकी में पहला मुकाबला जीता। टीम इंडिया ने 3 दिवसीय वनडे सीरीज में श्रीलंका को 2-1 से हराया। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी, पर संभालते ही दिखाए तेवर। जंतर मंतर पर किसान संसद, 13 अगस्त तक चलेगा किसानों का प्रदर्शन। अमेरिका ने तालिबान के ठिकानों पर किए हवाई हमले, कई आतंकियों को मार गिराने का दावा। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।